नंबर तीन ये है तरतीब, तरजीहात की हमारी, प्रायोरिटीज की, मेजॉरिटी की। नंबर एक फिक्र, नंबर दो फिक्र, नंबर तीन फिक्र। कोई डायरेक्ट कुरान से नहीं देखना चाहता, समझना नहीं चाहता। दलील क्या होती है? हमारे इमाम साहब ने क्या नहीं पढ़ा था? आप ही ने पढ़ लिया है, इमाम साहब ने पढ़ लिया तो जो वो कह रहे हैं कुरान की तो तालीम दे रहे हैं। अब उसके आगे ये सुन्नत के लिए, ये दूसरे नंबर की चीज़ है, हदीस से लें। और फिर वहाँ पर अगर कन्फ्यूजन से दो तीन तरह के अहकाम समझ में आ रहा है कि दो तीन खुद तय नहीं कर पा रहे, फिर फिकह, ये तीसरे नंबर पर है। अब यहाँ डायरेक्ट सबको किसी को हनफी शाफी और हम्बली और वो बना दिया कि हम डायरेक्ट जो है वो इमाम, ये तरतीब साली प्रायोरिटीज़ की ख़त्म हो गई। ये तो मैंने आपको वाकया सुनाया जो ना जिसमें तारीख में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये इस वाक़े के अंदर माज़ बिन जबल के। अब कुरान की बात सुनिए, कुरान शरीफ ने कहा कि ए ईमान लाने वालों, सूरह निसा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की के रसूल की इताअत करो, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज प्रॉफिट, और व उलुल अम्र मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी भी इताअत करो। अब ये कुरान का ऑर्डर आ गया कि इमामों की भी पीछे चलें आप। उलुल अम्र उन्हें कहते हैं जो किसी ख़ास फील्ड में उसका फ़ैसला करने के लिए के अहल होते हैं, कैपेबल होते हैं। हर आदमी नहीं फैसला कर पाता कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी अकल क्या कह रही है, क्यों क्या 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 कहना चाहिए। जो इस दर्जे के लोग थे हमने उन्हें इमाम कहा। तो अब ये कुरान का हुक्म हो गया कि जहाँ बात दीन पर अमल करने की हो, फिक्र की हो, आपके दांत में अगर दर्द होगा तो डेंटिस्ट उलुल अम्र होगा, इमाम अबू हनीफा नहीं होंगे। उस मसले में फैसला करने का ज़्यादा अहल है। अगर फिक्र की बात आएगी दीन पर अमल करने की तो फिर उसमें ये मुख्तलिफ इमाम जो थे, जो इस दर्जे के थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, ये उलुल अम्र हैं फैसला करने के लिए कि ये लायक है। तो कुरान ने, अब ये कुरान का हुक्म हुआ कि अल्लाह की ये तरतीब ये रहेगी, डिटेल ये रहेगी, कुरान सुन्नत और कुरान हदीस और फिक्र, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, अतीउर रसूल रसूल की इताअत करो, ओबे द प्रॉफिट, और वो उलुल अम्र मिनकुम, तुम्हारे बीच वो लोग जो हैं उलुल अम्र, वो लोग जो फैसले कर सकते हैं उनकी भी इताअत करना, उनको भी ओबे करना। लेकिन जहाँ कुरान ने कहा ज़्यादातर जगहों पे तो यह है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की उलुल अम्र का नाम नहीं है ज़्यादातर जगहों पे, बहुत सी जगहों पे आई ये आयत। जहाँ पर यह कहा कि उलुल अम्र की भी करना, वहाँ फौरन एक्सप्लेनेशन भी है, एक वजाहत भी है, फौरन ये वजाहत किया है। आयत नंबर आप वही तो देख रहे हैं जी, अच्छा चार सौ तो वहाँ पर फौरन ये वजाहत आ गई, फ़ैन तनाज़ा तुम फिर शहीन फ़रुद्दू अल्लाह व रसूल। लेकिन अगर हो जाए डिस्प्यूट, तनाज़ा किसी मसले के अंदर, तो फ़रुद्दू अल्लाह व रसूल, कुरान का हुक्म इमाम हनीफा को छोड़ देना, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इन सब को छोड़ देना, फ़रुद्दू अल्लाह व रसूल, अब उस मसले को लौटाना अल्लाह और रसूल की तरफ, बस। अब उलुल अम्र कट गए, ये हुक्म है कुरान का। अगर डिस्प्यूट हो जाए, तनाज़ा हो जाए, तो अब सिर्फ कुरान और सुन्नत, तरतीब यही रहेगी, पहले कुरान फिर सुन्नत। अब इमामों को छोड़ना पड़ेगा अगर डिस्प्यूट हो जाए, तनाज़ा हो जाए। तनाज़े का, डिस्प्यूट का मतलब बेसिक डिस्प्यूट, बुनियादी तनाज़ा, सही और गलत का इख्तलाफ, अफजल और गैर अफजल का नहीं। हाथ यहाँ पर बांधना ज़्यादा बेहतर है या यहाँ पर बांधना, ये अफजल और गैर अफजल का इख्तलाफ है, ज़्यादा बेहतर, ठीक है ज़्यादा बेहतर होगा, हमने यहाँ बांध लिए थे, इसमें कोई बेसिक डिस्प्यूट नहीं है, बुनियादी तनाज़ा। नमाज नहीं हुई आपने ये बांध लिए थे, ये बुनियादी तनाज़ा नहीं है। लेकिन बेसिक डिस्प्यूट भी हैं कम चीज़ों में,
लेकिन है बात जगह पर। सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ी थी तो रकात नहीं हुई, अगर नहीं पढ़ी थी तो। और एक एक इमाम ये कह रहे हैं, इमाम के पीछे अगर किसी ने सूरह फातिहा भी अगर खुद भी पढ़ ली थी तो नमाज ख़राब हो गई। एक इमाम ये कह रहे हैं कि अगर इमाम के पीछे जो और दूसरे लोग हैं उनको सबको पढ़नी थी सूरह फातिहा, अगर नहीं पढ़ी तो ख़राब हो गई नमाज। अब ये बेसिक डिस्प्यूट हो गया, बुनियादी तनाज़ा। इनकी माने तो उनके हिसाब से नमाज ही नहीं हुई, और इनकी माने तो इनके हिसाब से नमाज नहीं हुई। तनाज़े का मतलब ये है। अब अगर तनाज़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए बेसिक उलूल अम्र के बीच में, तो फिर अब उलूल अम्र को छोड़ देना उस मसले में, सब में नहीं, उस मसले में छोड़ देना। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो हमने एक दफ़ा तय कर लिया था हनफी बनेंगे तो अब तो इमाम हनीफा की मानना है हमें। कहा कि वहाँ कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना, उस मसले को लौटाना कुरान और सुन्नत की तरफ। खाली लौटाना इतनी सी बात नहीं कि लौटाने के बाद भी अल्लाह का हुक्म करना पड़ता, और ज़रा सा उसके ऊपर अहमियत के साथ में उस बात को जता दिया है, फरुद्दू अल्लाह व रसूल इन कुंतुम तुम्हें बिल्लाह व यौम आखिर। ये ईमान की बात है, ईमान तक पहुँचने की बात। अगर तुम्हारे अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान है तो तुम यही करोगे, ईमान जाता रहेगा, ये नहीं करोगे। उसके आगे और कहा, ज़ालिका खैरू व आसान आसान तवीला, यही भलाई, यही अच्छा है तरीक़ा, और यही बेटर इंटरप्रटेशन है। आसान तावीला, यही बेहतर तावील है। इस इतनी दूर तक जाकर समझाइए इस बात को, जहाँ पर ये उलूल अम्र का नाम लिया है, जिनमें बेसिक डिस्प्यूट नहीं है, अफजल और गैर अफजल का इख्तलाफ है, जिस सब स्कॉलर्स हैं, सब ने सबकी ज़िंदगी भर की खिदमात हैं, जिससे दिल चाहे ले लीजिए, जो मसला जिससे दिल चाहे लीजिए। उलूल अम्र की इताअत का मतलब ये नहीं कहा था उन्होंने कि एक पकड़ करने के बाद कभी उससे वो मत करना कि अब हम किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे। और अगर कहीं बेसिक डिस्प्यूट है उन लोगों में जो इस दर्जे के थे जिन्हें हम इमाम कह सकें, अगर उनमें बुनियादी तनाज़ा है, कोई बेसिक डिस्प्यूट है, उसमें इन पे से चारों में से किसी की मत मानना, कुरान और सुन्नत इसी तरतीब से, इन दैट ऑर्डर। अब फिर आता है सवाल के, ये खाली अकली सवाल है, इतने बड़े बड़े लोग उनमें डिस्प्यूट हो गया बेसिक, इतने बड़े बड़े इमाम, एक ने कुछ समझा एक ने कुछ समझा, अब आप तय करेंगे कि कुरान और सुन्नत क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी तो कुरान और सुन्नत से निकाला था, तो आप इसे तय करेंगे, कुरान और सुन्नत की तरफ लौटिए। पहली बात तो ये कि कुरान कह रहा है ऐसा करना, अब आप अपनी जो कुरान कह रहा है उसके खिलाफ अपनी अकल मत लगाइए कि ये कैसे हो जाएगा, मतलब कुरान जो कह रहा है ये कैसे मान लें हम, ये बात खुद कुरान ने की कि तुम्हें ये करना। होंगे रास्ते इस निकलने के, लेकिन पहली बात तो ये कि हमें ऐसे ही करना होगा, कुरान ने कहा है। तो कुरान ने जगह जगह कहा, बहुत सी बातें बताईं, मसलन कुरान ने कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रस्तों की तरफ कोशिश करके तो देखो, जो लोग भी करेंगे हम अपने रस्तों की तरफ भेज देंगे, हम अपने सही रास्ते हम दिखा देंगे। यानी कोशिश और तलाश तो करो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मिल जाए, तुमने कोशिश शुरू की तो हो सकता है किसी और के थ्रू मिल जाए, कोई और स्कॉलर कहीं तकरीर कर रहा हो उसमें पता चल गया, किसी और तवज्जो दिलाए, हो सकता है किसी मौके पे तुम पर ही खुले। ही तो असल चीज़ है तलाश, और अल्लाह का वादा है लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये जो अल्फाज हैं इसमें लाम ज़बर है, लनहदियन्नहुम, लाम ज़बर को अरबी में कहते हैं लाम ताकीद, इसका मतलब होता है लाजमी होकर ऐसी रहेगा। यानी ये नहीं कि हाँ शायद तुम्हें रास्ता मिल जाए, ना तुम्हें सही रस्तों की तरफ हम भेज देंगे, लाजमन ऐसे ही होगा। कोशिश नहीं करेंगे तो दुनिया के बड़े से बड़े दिमागों, बड़े से बड़े स्कॉलरों, बड़े से बड़े से आलिम हैं, उन्हें नहीं मिलेगा। तलाशी नहीं की कि इन दोनों में से क्या ठीक था, दो बातों में इख्तिलाफ था, ढूंढा ही नहीं उन्होंने, हमें तो इनके पीछे चलना था। तलाश का सवाल, जब तलाश नहीं तो मिलेगा भी नहीं, चाहे जितने ज़हीन हो और चाहे जितने काबिल हो। तलाश करेंगे तो कुरान कह रहा है कि इसकी फिक्र मत करो, हम सही रस्तों की तरफ भेज देंगे, हम रहनुमाई कर देंगे। और साथ में ये भी इत्मीनान दिला दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसकी जितनी इस्तेआत है, जितनी सलाहियत है, जितना जानने की उसमें अहलियत थी
उससे ज़्यादा का हम सवाल भी नहीं पूछेंगे, उससे ज़्यादा का हम हिसाब भी नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा का हमने मुकल्लफ किया ही नहीं। सलाहियत जितने जिसको जितनी दी हम जानते हैं, सलाहियत है और कोशिश नहीं कर रहे, जितनी सलाहियत है उतनी कोशिश करो, रास्ता हम देंगे, एक बात आई है। दूसरी है कि जितनी सलाहियत दी है उतने का मुकल्लफ किया है, नहीं उतने का हिसाब लेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं लेंगे। फिर उसके बाद तो ये सारे फ़िरके ख़त्म हो जाने चाहिए। कुरान ने मना किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब समझाई हमें वो ये है, और हम यहाँ पर डटे हुए हैं अलग अलग फ़िरकों के ऊपर, जमे हुए हैं सारे लोग।